कैसे हो गई यार? क्या यार चार्ज हो में ट्रैफिक बहुत है यार, क्या कब से निकले हो बताओ। चाय 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 वाला आपको दिखाते रहेंगे हमारे साथ, लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या चल रहा है लाइफ में? आज का व्लॉग हम करेंगे अपने कजन्स के ऊपर। कजन्स आने वाले मेरे, सैटरडे नाइट है, उन्होंने बोला चलो शार्दुल भाई आपके घर आएंगे, हम रुकेंगे, स्टे करेंगे, पूरी रात हल्ला बुल्ला करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आ जाओ यार। पर अभी उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 12:30 के करीब हो गया है। अभी टाइम देखें 12:30 हो रहा है, पर अल्लाह खैर करे अभी तक क्यों नहीं आए, जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अरे आ गए। अस्सलाम कैसे अल्लाह का करम भाई, आपकी दुआएं, आप बड़ी बार बहुत सर्दी लगी हमें, कैसे हमारे में बड़ा तपका गए थे। कैसे हो गई यार? ट्रैफिक बहुत है यार, कब से निकले हो बताओ। बस पूछो नहीं, कराची से शहर में हालत ऐसे हो गए, कल वोट है, वोट दो इनको, दो उनको, दो किस किस को हम वोट दें? जनता माफ नहीं करेगी। थोड़ा सा यार, सांस सांस बैठाओ बैठाओ, आ जाओ यार, अभी फ्री मुझे लग रहा है। बहुत गुस्से में भाई, गुस्से में निकले, हमारी गाड़ी पंचर हो गई, कुछ ट्रेजेडी हो गई है इनके साथ। बहुत गुस्से में मैं, ये हमारे भाई समीर भाई है तो है, इतना गुस्सा क्यों, क्या क्या वजह है? बस चाय में पूछो मत, दिमाग की बस बत्तियां बुझ गए हमारी। नहीं, ये मुंह पे काला कैसे लगी, या हुआ क्या आपके साथ? ये क्या एक्सीडेंट वगैरह हुआ या कुछ, क्या गाड़ी हमारी पंचर हो गई? ये पिल्ले को देख के तो उसी तरह बनना चाह रहे हैं अपने आप को भाई। नहीं 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 नहीं, अब ये पिल्ले विल्ले नहीं, पिल्ले नहीं है ये, ये पिल्ले समीर शेम है, ये पिल्ले टू है, ये 3 2 1 सीरियस बताएं कैसा, आप लेट क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या था वाकई में, पंचर हो गई थी या ट्रैफिक जैम था, क्या था? दरअसल बाहर बहुत सर्दी थी और हम दरअसल बाइक पर आए क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, हमने गाड़ी निकाली नहीं। तो गाड़ी गाड़ी मैंने आपको क्यों इतनी दिलाई हुई है भाई, आपने सिविक क्यों नहीं निकाली अपनी? दरअसल सिविक का ये था, पेट्रोल जब से निकाली, पेट्रोल महंगा है, ये महंगा, कराची के बहुत बुरे हालात है, बाइक पे चलते हैं। अच्छा, मतलब आप इंजॉयमेंट के लिए बाइक पर आए, ये तो मत बोले ना कि गाड़ी में आपको माशाल्लाह गाड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें धीमी है यार, ऐसा नहीं किया करो यार, जो ना। और बताओ क्या क्या खाओगे, क्या क्या आपकी खिदमत की जाए? अभी तो आए हैं, अभी आए हैं, इंजॉय करेंगे, अब पूरी रात आपके साथ हैं, आपके दोस्त को लेकर आए हैं आपके साथ, हफ्ता है कि आपसे मिलते हैं। मैं आपका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ और मैंने आपके लिए स्पेशल चीज़ भी बना के रखी है, आज जो है ना तुर्किश पाइड मैंने आपके लिए बनाया है। भूख लग गई शाहजहां भाई, जल्दी से लियो यार, मुझे मोहब्बत है कि आपने कुछ हमारे लिए कुछ बना के रखा। नहीं नहीं यार, तुम लोग जो है ना इतने दिनों बाद मेरे पास घर में रुकने के लिए आए हो तो जाहिर सी बात है मेरा तो फर्ज बनता ना कि मोहब्बत हम चले आए, आपने इनवाइट किया हम आ गए। बस ठीक है, अभी मैं इनको खाना वाना खिलाता हूँ जो मैंने इनके लिए डिश बनाई है, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। खाने के बाद हम फारिग हो चुके हैं, इनको हमने खाना वाना खिला दिया है, बड़े थके हुए थे, बड़े गुस्से में थे समीर सैम, इतना जो ना ट्रैफिक की वजह से खाना खा कर ना चाहेंगे, ऐसा मजा आया आपके हाथ का, ऐसा कहाँ से सीखा आपने ये बताएं, समझो कि 2.5 बहुत बहुत अच्छा बनाया, जो बाहर भी नहीं बिकता जो आपने बनाया, बस आपके आपके टेस्ट हो गया। मैंने थे कुकिंग सीखी है तो चलो अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आपको कैसा लगा भजन भाई? बहुत मजे का लगा, ये समीर सर नाम बताएंगे इसका, ये जो हमने डिश खाई है इसका नाम क्या है? इन्होंने कहा तो नहीं पिज्जा फ्राइज की तरह क्या बोला तूने? चाय में आप बताए क्या था? इन्होंने खाया तो पेट भर के, पर पाए पाए हमने आप यार, मैंने इनको बताया पाए तो ये बोले कौन से पाए इनको नहीं समझ में आ रहा कुछ। नहीं नहीं वो आपकी जो वीडियो थी ना पहले वाली, बीफ अपना कौन सा पुलाव, गली पुलाव, तो वो सब उसके चक्कर में समझ रहे इस दफा कुछ पार्ट टाइप चीज होगी जो कि नहीं थी। सही बिल्कुल, लेकिन आप चाइनीज टाइप का था, बहुत अच्छा लगा। चाइनीज टाइप
था वो जी चाइनीज नहीं था भाई ये ये सबसे बड़ा ब्लंडर ही यही है हमारे साथ ये होते हैं तो वीडियो में जान आती है मावा कहीं मिलेगा नहीं हम वहाँ से आ रहे हैं बाइक पर से मावा नहीं अरे यार तुम छोड़ दो ये मावा मावा अपना यार मावा तो हमारी जिंदगी है खाने के बाद तुम मावे मावे खा रहे हो तभी तो वो डॉक्टर भी परेशान है क्या वजह है जो बच्चा भड़के नहीं दे रहा क्या बताऊं जब हम मावा नहीं खाते ना दिमाग हमारा काम नहीं करता अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना मावा खाते हैं घोड़े दौड़ते हमारे तुम्हारे घोड़े दौड़ते हैं 3-2-1 इनको इनका पिल्ले बहुत फेवरेट है ये पिल्ले 2 है ये अपने आप को पिल्ला समझते हैं बराबर में पिल्ला बिल्कुल भी नहीं समझते ये पिल्ले 2 है ये वो पिल्ला जो है वो इनसे ओरिजिनल है वो एक नंबर इनसे आगे निकल गया पर हकीकत में पिल्ले 1 यही होने वाला है ये हमारे तन्वीर भाई बैठे हैं मार देते हैं सबकी मार देते हैं शीशा पी लेते हैं गेम खेल लेते हैं रात अपनी है फुल उन्होंने पार्टी के मूड से आए कि शारदन भाई अगर चलते हैं पार्टी करते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई मेरा तो कहना ये था कि सर्दी है थोड़ी छत पे बैठ के एंजॉय सर्दियों को किया जाए और उसके शीशा भी पिया जाए क्योंकि आजकल की जो सर्दी है वो एंजॉय वाली है लोग समझते हैं कि नहीं यार घर में बैठे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जब कजन गेट टुगेदर होता है तो फिर ऐसा होता है कि आया था आपके घर पे आपको लेके गया था मजा आया था बहुत मजा आया था हमने सोडा पिया था हमने अच्छा लगा देखो सर्दी को सर्दी बंदा एंजॉय करता है सर्दी से खा के पी के तो अभी देखते हैं आगे आप क्या कहना चाहेंगे नहीं हम आपको देख रहे हैं बस आगे आपने इतने हुक्म कर दिए बस शारजन भाई अब हमें ये खिलाएंगे आपके हुक्म पे शारजन भाई तुम उठो यार ये समीर सर ये आप बहुत बहुत अच्छे हैं बहुत प्यार करते हैं हम लोग से अल्लाह का शुक्र वो तो सही हम प्यार तो करते हैं पर हकीकत में बताएं किसी पंच का कराया आप झूठ बोल रहे हैं किसी ने मारा आप लोग नहीं ये मेरे कुदरत की निशानी है मेरे डू वाला कुदरत की है ये कॉपीराइट है ये बजाज साहब शीशे की तैयारी करते हुए शीशा रेडी कर रहे हैं और हमारा छोटा साइंसदान चेक कर रहा है सही बन रहा है नहीं बन रहा अब्दुल्ला दी फ्लेवर है उसमें फ्रिज के अंदर है डबल एप्पल निकाल लो फ्रिज से उसमें जो है ना पान रत्ना भी होगा और जो है ना हाँ डबल एप्पल निकाल लो डबल एप्पल बनाओ डबल एप्पल शीशा पियेंगे आज पूरी रात पार्टी करेंगे कजन्स के साथ काफी दिनों बाद रुकने के लिए आए हैं ये लोग जलाए कोयले जलाए नहीं जलाए शीशा लिया सबसे फूल आ गए चिल्ड माहौल हो रहा है सर्दी हो रही है रुको जरा सबर करो समीर सैम आप तो अंदर ही रहे आप पिघल जाएंगे बल्कि जम जाएंगे पिघल नहीं जाएंगे ये क्या हो गया आपको ये मुर्गियों का फार्म है मेरा छोटा सा ये छोटा सा फार्म है मेरा ये मेरे मुर्गियां हैं ये मुझे रोज अंडे देती हैं इनको भी ढका हुआ है 35 का नहीं हो गया समीर सैम 45 रुपए का हो गया 550 रुपए दर्जन जी अच्छा आओ पकड़ के ले आओ मेहनत करो आज शीशा पीना है ना बारबेक्यू भी तो मैं एक आध दिन में बारबेक्यू पार्टी भी करवाएंगे मेहनत करो क्या हो गया समीर भाई आपको सर्दी लग रही है सर्दी तो इतनी हो भी नहीं रही यार समीर भाई का इस ठंड में गुस्सा ठंडा हो गया है समीर भाई बहुत गुस्सा कर रहे थे समीर भाई अब सच्चे ना सब मामला अब तो गुस्सा तो नहीं कर रहे इधर देखिए पिल्ले हो गया ठीक है भाई पिल्ले हो गया
समीर सैम यार क्या कर रहे हो, आग क्यों नहीं लगी अभी तक? लग गई है लग गई लग गई और शीशा कहाँ तक पहुँचा? वो तैयार है उस्ताद। यार वजाद भाई क्या कर रहे हो यार, तुमसे शीशा नहीं बन रहा है। सर्दी इतनी शदीद हो रही है ना, सब्जी को एंजॉय करो यार। बस जल्दी से यार लगाओ कोयले वोले लगाओ, चाय वो बनाते हैं कोयले के ऊपर। चाय बनानी है? हाँ बनाएंगे, चाय बनेगी। ओह माय गॉड, वाओ, आग लग चुकी है। कोयला चाय बनी, बोन फायर हम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हाथ सेक रहे हैं अपने। वो समीर से हम लगे पड़े हैं फुल कबाब जी जैसे काम करते रहे कबाब जी के ऊपर। ये काम आना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है काम सेट कर रहे हैं। कोयलों की चाय बन रही है, चाय 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 वाला। सर्दी में बॉन फायर करने का मजा ही अलग है, किसका कोयले के ऊपर चाय बनाने का भी मजा ही अलग है। समीर सैम कहाँ तक पहुँची चाय आपकी? समीर सैम तैयार है, चाय साथ तैयार है। जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो यार, इतनी देर से चाय बना रहे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हमारे यहाँ छत पे कुल्फी बन रही है, कुल्फी हो रही, कुल्फी। जल्दी करो यार, गर्म गर्म चाय पिलाओ। चाय बनाई कोयले को, बहुत जबरदस्त मजा आया। ऊपर ठंड में ही मजा लिया हमने। अभी हम फिल्म वगैरह देखेंगे, गेम वेम खेलेंगे, थोड़ा हमारे साथ रहिएगा, आपको भी एंजॉय करा देंगे पूरी रात। आपको दिखाते रहेंगे हमारे साथ रहिएगा। बस लाइक ठोको, कमेंट्स लाइक सब करो आप जल्दी जल्दी। समीर सैम कैसा मजा आ रहा है आपको? नजर नहीं आ रहा। आवाज तो आ रही है आपकी। आवाज आ रही है, ठीक है, पिल्ले हो गया। पिल्ले बोल दो एक बार। मैं तो बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस है? कैसा बताता हूँ, ये टाटा बिरला अंबानी अपना देवी प्रसाद इन लोग अमीर कैसे बना, इसका सीक्रेट मिल गया। सीक्रेट नहीं यार बाबू भैया, इनको देखो देखो बेचारे को, इन्होंने कुछ बोला? मैंने बेचारे का घड़ी बेचा, इनका सोने वाला चश्मा बेचा, बेचारे ने कुछ बोला? नहीं बोला। तूने घड़ी बेचा? क्या मामला? मजा आया। सो गाइज आपने एंजॉय किया होगा पूरी रात, हमने पूरी रात फन किया, मजा किया, कजन के साथ मजा गया, बहुत मजा आया। वीडियोस देखिएगा हमारी, हमने बहुत फन किया रात के अंदर, व्लॉग में डालेंगे, व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये भाई का चैनल है, जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, आप लोग की सपोर्ट चाहिए। अल्लाह हाफिज़।